सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करते हैं। फिलहाल अभी घर पे हैं और आज का जो व्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं वो अपने आंगन से कर रहे हैं। ये देखिए ग्रीनरी भाई, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो घास वास ना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और थोड़ा सा ना इसमें रिस्क भी है क्योंकि सांप वाप आने का डर होता है। तो फिलहाल इसको साफ भी करना है, फ्री टाइम देख के किसी दिन इसको साफ भी करना है। तो फिलहाल मौसम जो है ना गाइस, आज का मौसम जो है ना काफ़ी प्यारा है, बहुत दिन के बाद देखिए बादल है। तो चलिए और आप सबको घुमा कर लाते हैं बाहर से। तो फिलहाल यहाँ पे अपना थैला ले लिए हैं, मार्केट से कुछ सामान भी खरीदना है। और ये देखिए अभी यहाँ पे गंदा रख गया है। कल ऐसा हुआ ना कि मतलब काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही थी तो इसको ढके नहीं थे कि चलो नहीं ढकते, और नहीं ढके और रात में बारिश हो गई। तो इसको साफ करते हैं फिर निकलते हैं, मिलते हैं आप सबसे बाहर। तो भाई यहाँ पे गाड़ी निकाल लिए हैं बट ये रास्ता से हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये रास्ता ना आगे बहुत ख़राब हो जाता है बारिश होने के बाद। तो फिर से मोड़ के हम लोग को इधर से चलना है। मौसम काफ़ी मस्त है, बस बारिश हो जाए ना तो और मस्त हो जाएगा। वाह, आज एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया भाई, बंद भी हो गया। तो जी फिलहाल अभी अपने घर से निकल चुके हैं और मौसम मस्त है आज, और ऐसे मौसम में भाई राइड करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो किसको किसको इस मौसम में राइड पसंद है भाई, कमेंट करके बताना। तो हाँ फिलहाल गाइस अभी मेन रोड पे आ गए हैं और अभी मार्केट तरफ चलते हैं। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना, 8+ ही हो रहे हैं जिस कारण ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बन रहा है। सब लोग पूछते रहते हैं भाई ब्लॉग बना रहे हैं क्या, क्योंकि लोकल के काफ़ी लोग जान चुके हैं कि भाई ब्लॉग बनाता है जिस कारण। तो मौसम काफ़ी मस्त है पिछले दिन से, नहीं तो भाई एकदम चिड़चिड़ा वाला गर्मी था यहाँ पे। और आपको बताते हैं कि जैसे ही 9 बजने के बाद ना इस वाले रोड में थोड़ा सा ट्रैफिक लगने लगता है, स्कूल वैन वगैरह। तो जी फिलहाल जस्ट जाम का बात किए और जाम मिल ही गया तुरंत यहीं पे। देखिए क्योंकि ज़्यादा चौड़ा रोड है नहीं ना और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है जिस कारण भाई जाम लग जाता है। और देखिएगा, हल्ला सुनिएगा आप। तो भाई फिलहाल अभी हम आ गए हैं ना औरंगाबाद का सब्जी मार्केट, और यहाँ मतलब दिन में आप कभी भी आओगे ना तो बिना जाम के आप यहाँ से नहीं जा पाओगे, हमेशा जाम लगा हुआ रहता है। रात के 8 बजे के बाद ही आपको थोड़ा सा साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से रमेश चौक तक ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो फिलहाल अभी हम लोग रुके हैं लिट्टी खाने के लिए जुगेश भाई के होटल से। रोड साइड का ज़्यादा नहीं खाते हैं लेकिन यहाँ पे खा लेना चाहिए क्योंकि अच्छा बनता है। सन्नी बहुत दिनों के बाद मिल रहा है और भाई फ़ोन ख़रीदा है, दिखा तो सन्नी, देखिए फ़ोन ख़रीदा है। कौन कहा है जलेबी लेट है कहा अभी? तो हमें फिलहाल मार्केट से आने के बाद एक छोटा काम से अम्मी को लेके जाना पड़ा गैस एजेंसी, एक छोटा सा पेंडिंग काम बचा हुआ था, फिलहाल वो भी आ गया, वापस से घर आ गए। और आज दिन है फ्राइडे का, तो अभी कुर्ता पजामा आयरन भी करना है, फिर नहाना है, नाश्ता भी करना है। और एक काम और बचा हुआ है, यहाँ पे एक फ़ैन है, वो फ़ैन ना ख़राब हो गया है तो उसके जगह पर ये वाला फ़ैन डालना है, तो शाम तक ये वाला भी काम करना है। तो जैसा भी होता है जो भी होता है आज का दिन आपको कवर करके दिखाएंगे। फिलहाल आज का मौसम ठीक ठाक है, पहले से मतलब पहले जैसा गर्मी नहीं है तो आप मौसम भी ठीक ठाक ही कहेंगे। ये देखिए धूप तो ज़्यादा है नहीं, बादल धूप है। तो हाँ गाइस, काफ़ी लेट हो रहे थे जिस कारण भाई जल्दी जल्दी मैं नहाए, उसके बाद कुर्ता पजामा पहने, आयरन वगैरह दे करके, तो फिलहाल जल्दी में थे इस कारण ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। मस्जिद चले गए, मस्जिद से अभी जस्ट आ रहे हैं, अब चलेंगे खाना खाने। और भाई खाने में आज ना बिरयानी बना है, तो भाई खाना खाते हैं उसके बाद फिर आज का दिन का जो और बचा हुआ है उसको शुरुआत करते हैं। ये हम तोड़ ले रहे हैं,
तो भाई अभी ना बिरयानी के साथ क्या सैलड बनाया, समझ गए सैलड, तो उसके लिए ना भाई नींबू तोड़ना ज़रूरी है। तो ये है नींबू का गाछ और ये रहा नींबू एकदम ताज़ा ताज़ा, तो ये तोड़ लेते हैं, एक एक और तोड़ लेते हैं। और दूसरा कहाँ है ये देखिए, काफ़ी हाइट पे है क्योंकि भाई जो नज़दीक था ना उसको पहले ही तोड़ चुके हैं, जिस कारण थोड़ा सा हाइट ज़्यादा पड़ रहा है। ये देखिए दो नींबू, कैच ले लेगा, दो नींबू है। और भाई यहाँ पे देखो क्या लगा है, भिंडी, भिंडी का देखिए तैयार होने वाला है। तो भाई सीन ये है कि हमने जाना था एक प्यारा सा लोकेशन पे वीडियो करने, व्लॉग बनाने, बट भाई कल का जो मौसम था ना कुछ इसी तरीके का था, देख रहे हैं ना, तो कल भी कैंसिल करना पड़ गया था। 5 बजे बारिश हो गई थी और उस लोकेशन का जो वीडियो आएगा ना तो नाइट में इवनिंग का व्यू आपको देखने को मज़ा आएगा। तो फिलहाल इधर भी देखेंगे तो काला बादल है, समझ गए पूरा, और सामने में आप अगर देखेंगे तो वाइट सफ़ेद बादल है, बट देखते हैं भाई बारिश होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कल भी वहाँ जाना था, आज भी जाना था, बट ऐसा लग रहा है कि आज भी शायद कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बादल जो है ना काफ़ी भयानक तरीके से लगा हुआ है और हवा भी काफ़ी तेज़ है। तो भाई देखते हैं, अगर आज बारिश नहीं होती तो आज तो एकदम जाएंगे, क्योंकि भाई जाकर व्लॉग बनाना है ना, और वहाँ का लोकेशन काफ़ी शानदार, क्योंकि वो नए तरीके से बनाया गया है, कहाँ का होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल अगर आज बारिश नहीं होती है तो आज निकल जाएंगे 5:30 बजे, और ये जो टाइम है ना ये टाइम है अभी इवनिंग के 4 बज रहे हैं, और 4 बजे ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। तो भाई ये देखो अभी होने लगा मज़ेदार, मज़ेदार वाला बारिश, ये देखिए पूरा ज़मीन भीग गया, और बादल देखिए ना काफ़ी काला है भाई, ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी देर तक बारिश होने वाला है, ये देखिए चारों तरफ। हाँ तो भाई फ़िलहाल बारिश होने के बाद फ़िलहाल ये देखिए अभी रुक गई है, और अभी ना थोड़ा थोड़ा धूप निकलने लगा शाम के टाइम। तो फिलहाल चलते हैं, और जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ आप सबको ना अगले वाले व्लॉग में पता चलेगा कहाँ जाने वाले हैं और उसका लोकेशन, और उसका वीडियो ना आप सबको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल भाई ऐसा हो गया कुछ, सारा भीग गया। तो भाई चलते हैं और इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे दूसरे वाले व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।